बताते हैं, राजधानी में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ शुरू हुआ बारिश का दौर, राजधानी के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। तो देखिए, अब राजधानी वासियों की अगर बात करें यहाँ पर, तो अब गर्मी से राहत मिल रही है क्योंकि लगातार उमस की वजह से लोग काफी परेशान हो रहे थे, लेकिन अब तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हो रही है, तो कह सकते हैं कि अब लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। तो तेज आंधी के साथ शुरू हुआ बारिश का दौर, क्योंकि लगातार उमस की वजह से, तेज धूप की वजह से लोग काफी परेशान हो रहे थे, लेकिन अब यहां पर मौसम का मिजाज जो है वो बदल गया है और कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। तो तेज आंधी के साथ राजधानी के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। तो देखिए कैसे मौसम का मिजाज जो है वो बदला है और अब लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। तो यहां पर इसे राहत की बारिश कह सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह है जहां पर ये आफत की बारिश है, लेकिन जयपुर वासियों के लिए ये राहत की बारिश है। और इस राहत की बारिश की अगर बात करें तो तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हो रही है। तो राजधानी के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है और अब लोगों को गर्मी से और उमस से राहत मिल रही है। तो देखिए, राजधानी में मौसम का मिजाज बदला है और राजधानी के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। तो अब मौसम जो है वो खुशनुमा हो गया है, क्योंकि लगातार कई दिनों से उमस और गर्मी की वजह से लोग काफी परेशान हो रहे थे, लेकिन अब उन्हें जाके कह सकते हैं कि थोड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि कभी तेज धूप तो कभी उमस, और अब यहां पर तेज आंधी तूफान के साथ राजधानी के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। तो इस बारिश की वजह से मौसम खुशनुमा हो गया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। श्वेता, अगर बात करें तो अब यहां पर ये कह सकते हैं कि लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत यहां पर मिल रही है। बिल्कुल चांदनी, गर्मी से राहत मिल रही है, हालांकि बाढ़िस्तान राजस्थान को कहा जाने लगा, क्योंकि जिस तरह से कोटा में बाढ़ के हालात बन गए, कितनी दिक्कतें हुई पिछले दिनों हमने देखा। लेकिन अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो धूप होती है और उसके बाद बारिश का इंतजार होता है, लेकिन आज जिस तरह से बारिश हो रही है चांदनी, हमने कोशिश की कि हम बाहर जाएं और वहां से आपको लाइव दें, लेकिन इतनी ज्यादा तेज बारिश है कि बहुत मुश्किल हो रहा है बाहर जाना, और इसलिए अंदर खड़े होने के बावजूद फुहारे यहाँ पर बारिश कितनी तेज अंदर तक आ रही है, लेकिन बाहर की तस्वीरें देखिए, आंधी तूफान के साथ ये जोरदार बारिश हुई है, जहां पर अस्त व्यस्त तस्वीरें नजर आ रही हैं। विद्याधर नगर इलाका हो या फिर राजधानी जयपुर का दूसरे अन्य पौष इलाके हो, वहां पर भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है, बाहर निकलना बहुत मुश्किल। अगर आप ये सोचे कि छाता लेकर आप बाहर निकल जाए तो वो भी मुमकिन नहीं है, इतनी तेज आंधी है कि छाता तो आपके हाथ में रहेगा ही नहीं, और आपको भी मुश्किल होगी खुद को संभालने में, और यही अभी मेरे साथ भी हुआ। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने दर्शकों तक वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से वहां बारिश का आलम है, और सबसे ज्यादा मुश्किल यहाँ पर पैदल चलने वालों को होगी, टू व्हीलर जो वाहन लेकर निकल रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगी कि वो अपने दोपहिया वाहन को आगे बढ़ा सके, क्योंकि सिर्फ बारिश होती ना चांदनी तो कम से कम इसे एंजॉय करते, इसका लुत्फ उठाते और अच्छे मौसम की तरह इसे देखा जाता, लेकिन आंधी तूफान भी इस बारिश के साथ है जो बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर खड़ी कर रहा है लोगों के लिए। घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, शायद सड़क पर भी लोग जो खड़े हुए हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद थोड़ी बारिश कम हो, आंधी तूफान का दौर यहां पर रुके, तब वो जा सके अपने गंतव्य तक जहां वो जाना चाहते हैं। लेकिन तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि राजधानी जयपुर में किस तरह से झमाझम बारिश का दौर जारी है, और ये बारिश का लुत्फ उठाने जैसी बात अभी फिलहाल नजर नहीं आती, क्योंकि जिस तरह से जानकारी मिल पा रही है अलग अलग क्षेत्रों से राजधानी जयपुर के, मुश्किलें लोगों के लिए ज्यादा है, मुश्किल भरी ये बारिश ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने भी कहा था कि बारिश का आलम अभी कुछ दिनों तक जारी रहेगा, लेकिन जिस तरह से पहले धूप और फिर अचानक बारिश आती है, और बारिश में आज जिस तरह से आई है वो जोरदार तूफान आंधी तूफान के साथ ही बारिश आई है, जो मुश्किलें लोगों के लिए खड़ी कर रही है चांदनी। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि अगर इधर कुछ दिनों की अगर बात करें तो लगातार कभी तेज धूप हो रही है, कभी आंधी तूफान की वजह से जिस तरह से लगातार यहाँ बारिश हो रही है, तो ये राहत की बारिश नहीं, इसे आफत की भी बारिश कह सकते हैं, क्योंकि लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये मुसीबत ही है एक तरह की। और
बिल्कुल चांदी, जिस तरह से मैंने भी आपको बताया कि मुसीबत बनकर ये बारिश आई और तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं कि किस तरह से बाहर जाने की कोशिश हम भी कर रहे हैं लेकिन वो मुश्किल है, बहुत मुमकिन हो नहीं पा रहा। हमने सोचा कि छाता लेकर बाहर जाते कम से कम बारिश का नजारा दिखाए कि कितनी तेज बारिश है, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि आंधी तूफान भी साथ साथ है। दूसरी अगर राजधानी जयपुर के अन्य इलाकों की बात करें, जो निचले इलाके हैं वहां पर अभी कुछ ही मिनटों की बारिश में पानी भर चुका है। विद्याधर नगर इलाका हो या फिर 22 गोदाम सर्किल की हम बात कर लें, ये फ्लाईओवर के नीचे की बात कर लें या फिर दूसरे अन्य इलाकों की बात कर लें, वहां पर भी आलम ऐसे ही है। खासतौर से स्टैचू सर्किल की बात करें, कुछ ही मिनट हुए, करीब 15-20 मिनट अभी बारिश को शुरू हुआ होगा लेकिन पूरी तरह से पानी वहां पर भर चुका है। अब अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर अभी शुरुआत इस तरह से और झमाझम ये बारिश का दौर लगातार जारी रहा तो कितनी मुसीबतें शहरवासियों को यहाँ पर हो सकती है। हालांकि अभी सबसे ज्यादा मुश्किलें जो हो रही है वो आने जाने वाले लोगों को हो रही है क्योंकि अभी वक्त भी 9 बजा है और ये वक्त ऐसा होता है कि लोग बाहर निकलते हैं, घूमने जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, लोग ऑफिस से वापस अपने घर की तरफ जाते हैं, डिनर पे जाते हैं तो वापस आ रहे होते हैं, तो ये ऐसा वक्त है जब बहुत सारे लोग जो घर के लिए रवाना हो रहे होंगे उन्हें बहुत मुश्किलें हो रही है। खासतौर से अगर 4-व्हीलर में वो है तब तो फिर भी उनके लिए राहत है, लेकिन अगर दोपहिया वाहन में है, पैदल है, छाता लेकर जा रहे हैं तो भी उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि थोड़ी सी बारिश में जगह जगह जो है वो पानी भर जाता है और जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत होती है। श्वेता, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जयपुर वासियों को थोड़ी सी राहत मिली है लेकिन कुछ ऐसे और भी जगह है जहां पर बाढ़ जैसे हालात है। बिल्कुल देखिए, अभी राजधानी जयपुर में तो ऐसे हालात नहीं है लेकिन कोटा का उदाहरण हमारे सामने है कि कोटा में किस तरह से बाढ़ के हालात बने, किस तरह से लोगों के घरों में पानी भर गया। लेकिन यह भी कहना गलत नहीं होगा कि अगर कुछ घंटे लगातार ऐसी बारिश होती है तो यहाँ राजधानी जयपुर के पौश इलाकों में भी ऐसे हालात होंगे जब पानी भर जाएगा। स्टैचू सर्किल की अगर हम बात करें या दूसरे इलाकों की बात करें जहां पर कुछ घंटों की बारिश में किस तरह से पानी सड़कों पर भर जाता है और समझ में नहीं आता कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ सड़क है, किस तरफ से जाना है, मुश्किलें कैसी आती है, यह अभी हमने मानसून जब शुरू हुआ उसके बाद भी लगातार तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाते आ रहे हैं। लेकिन अगर कुछ घंटों की बारिश ऐसे ही आंधी तूफान रहा तो मुश्किलें यहां भी नजर आएंगी, बहुत ज्यादा नजर आएंगी, जो फिलहाल अभी फौरी तौर पर नजर आ रही है कि आने जाने के लिए। और अगर बारिश बंद हो जाती है कुछ घंटों के बाद सब कुछ सामान्य नजर आता है, ये राजधानी जयपुर की तासीर रही है। लेकिन अगर घंटों बारिश यहां पर होती है तो मुश्किलें बढ़ना यहां पर तय है। खासतौर से दिक्कतें उन लोगों को होती है जिनके घर पर ऊपर छत नहीं है, जो निचले इलाकों में रहते हैं जहां थोड़ी सी भी बारिश में ही किस तरह से घरों में पानी भर जाता है, नाली का पानी हो या साफ पानी हो कुछ अंतर समझ में नहीं आता है, ऐसे लोगों को उन लोगों को जरूर दिक्कत है। और इसलिए लोग मनाते जरूर है कि बारिश हो लेकिन थोड़ी देर के लिए बारिश हो, मौसम अच्छा हो जाए, इतने भी लोग खुश होना चाहते हैं क्योंकि इस बार अगर बारिश की बात करें तो जितनी बारिश होनी चाहिए औसत से बहुत ज्यादा प्रतिशत बारिश यहां पर हो चुकी है राजस्थान में। खासतौर से कुछ इलाके कोटा की हम बात कर ले, हड़ौती की बात कर ले, वहां पर तो औसत से भी बहुत ज्यादा बारिश हुई और यही वजह है कि ये बारिश आफत बनकर आई वहां पर और बाढ़ के हालात वहां पर बन गए। बिल्कुल श्वेता, जैसा कि अभी आप बता रही थी कि जगह जगह पानी भर जाते हैं, जगह जगह जलभराव की स्थिति हो जाती है, लोग काफी परेशान होते हैं और इसी जरा सी बारिश की वजह से जो सरकारी जो दावे होते हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो जाते हैं। श्वेता, बिल्कुल ये बात सही कही आपने, क्योंकि दावे किए जाते हैं और इंतजार इस बात को होता है कि थोड़ी बारिश होगी और इसके बाद थोड़ा पानी भरेगा, इसके बाद फिर जब बारिश खत्म होगी मानसून चला जाएगा तो सब सामान्य हो जाएगा। और यही वजह होती है कि जिनकी जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों को निभाते नहीं है और कुछ घंटों की बारिश में ही तस्वीरें ऐसी नजर आती हैं और लोगों को लगता है कि आखिर अपने शहर का हाल क्या हो रखा है। लेकिन अगर कुछ घंटे बारिश होती है तो थोड़ी देर बाद सब सामान्य हो जाता है और ये आदत में भी जयपुर राइड्स के शामिल हो चुका है। लेकिन अगर जोरदार बारिश होती है, तेज बारिश होती है तो दिक्कतें यहां पर पेश आएगी। हालांकि चांदी, जिस तरह से शुरुआत हुई थी आंधी तूफान था, बाहर खड़े होना बहुत मुश्किल हो रहा था, अब अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो पहले से आंधी तूफान का जो आलम था वो थोड़ा कम पड़ा है लेकिन बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश जारी है, तेज बारिश हो रही है, लेकिन पहले दिक्कत इसलिए भी थी कि आंधी तूफान जोरदार, उसके बाद साथ में बहुत तेज बारिश भी, लोग संभले तो संभले कैसे, अगर बारिश से बचते नजर आते हैं तो आंधी तूफान दिक्कतें यहां पर पेश करता है और इस वजह से मुसीबतें लोगों के लिए जरूर बढ़ रही थी जो इस वक्त सड़कों पर हैं, जो रास्ते में हैं, जो अपने घर जाना चाह रहे हैं उनके लिए जरूर मुश्किलें हो रही थी। लेकिन अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब थोड़ी बारिश पहले से कम हुई है लेकिन बारिश बंद हो गई ऐसा नहीं कह सकते और जिस तरह से बिजली कड़क रही है, जिस तरह से हवाएं चल रही हैं, उसे लगता है कि ये दौर कुछ घंटों तक चलेगा। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ी सी बारिश में जहां की तस्वीरें आप दिखा रही हैं वहां पे अभी भी थोड़े थोड़े पानी जो है वो भरना शुरू हो गए हैं, तो ये कह सकते हैं कि लोगों को अब इससे दिक्कतें जो है वो बढ़ती ही चली जाएंगी क्योंकि राहत तो मिल ही रही है लेकिन मुसीबतें भी सामने खड़ी हो गई हैं। Hmm.
बिल्कुल मुसीबत तो है, और जिस तरह से मौसम विभाग का भी कहना था कि बारिश अभी हो गया, बहुत सारे बदलाव हमने देखने को भी मिलते हैं, और खासतौर से राजस्थान में। और इस बार के मानसून की बात करें, देर से मानसून आया, इंतजार बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन जब जुलाई एंड में मानसून आया, इसके बाद लग रहा था कि तेज बारिश हो, बारिश होती भी है, तो शुरुआती दौर में बहुत तेज बारिश होती है, इसके बाद कभी धूप हो रही है, कभी अचानक से बारिश हो जाती है, और रोजाना ही हमने देखा था कि पिछले 4-5 दिनों में तो लगातार रोज शाम को मौसम का मिजाज बदलता था और बारिश जोरदार होती थी। लेकिन आज की बारिश की अगर हम बात करें, क्योंकि कोटा में किस तरह के हालात हुए वो सभी ने देखा है, कितनी मुश्किलें वहां पर लोगों को ही सभी ने देखा, और ऐसे में लगता है कि तेज बारिश या आंधी तूफान वाली जोरदार बारिश यहां पर ना हो, क्योंकि अगर कोटा जैसे हालात जयपुर में बनेंगे बहुत ज्यादा मुश्किल यहां पर होना तय है। और आज जिस तरह से बारिश यहां पर हुई, आंधी तूफान आया, तो लग रहा था कि अगर ये कुछ घंटों और रहा तो मुसीबतें मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़नी भी तय है। लेकिन अभी हालांकि पहले से कुछ कम हुआ है, लेकिन तेज बारिश का दौर जारी है। हालांकि क्योंकि पहले तेज बारिश भी थी, आंधी तूफान भी चल रहा था, उस वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही थी, और लोग सोचने पर भी मजबूर थे कि हम जहां खड़े हैं वहीं पर रुक जाएं, इंतजार बारिश के बंद होने का करें, क्योंकि अगर निकलते हैं तो सड़क पर मुश्किल होगी और वहां पर फिर रुकना और संभलना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिससे हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने कोशिश की थी कि बाहर जाएं, छाता लेकर हम निकल जाते हैं, लेकिन छाता तक ठहर नहीं रहा था, इतनी तेज आंधी तूफान की लग रहा था कि हम कैसे खुद को संभाल पाएंगे, और इतनी हवाओं में कहीं ऐसा ना हो कि हम भी हवा के साथ आगे बढ़ जाएं। तो इससे समझा जा सकता है कि जब हम अभी ऑफिस के बाहर है और यहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो ऐसे में समझिए कि जो लोग पूरे बीच शहर में होंगे, जहां पर कहीं रुकने का ठौर नहीं होगा और निकलने की कोशिश लोग कर रहे होंगे, तो समझिए इंतजार सिर्फ इसी बात को होगा कि थोड़ा थम जाए ये बारिश, ताकि मुश्किलें मुसीबत जो आ रही हैं या घर पहले पहुंच जाए उसके बाद बारिश हो तो ज्यादा अच्छी लगती। वैसे भी जो घर में बैठे होंगे लोग तो वो बारिश का लुत्फ उठा रहे होंगे, घर के अंदर है, बाहर बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कतें उनसे समझना ज्यादा मुश्किल हो जाता है जो घर के बाहर है और जो इंतजार कर रहे हैं बारिश के बंद होने का, ताकि वो सकुशल अपने घर सुरक्षित पहुंच सके। बिल्कुल श्वेता, अभी जैसा कि आप यहां पर ये बता रही थी कि जैसे मानसून का हर किसी को इंतजार था, मानसून आ भी चुका है, और ये भी यहां पर है कि उम्मीद से ज्यादा इस बार बारिश हुई है। बिल्कुल उम्मीद से ज्यादा बारिश हुई, हालांकि शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि सूखा पड़ा हुआ है। बिसलपुर बांध की हम बात करें, ऐसे बांध जहां से घरों में सप्लाई होती है, होता है पानी, तो ऐसे में लग रहा था कि अगर बारिश नहीं होगी सूखा पड़ जाएगा, बांध भी सूख जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी, तो कितनी बड़ी और भयावह स्थिति, कितनी बड़ी मुश्किलें होंगी, भयावह स्थिति हो जाएगी। लेकिन जब देरी से ही सही, लेकिन जब जुलाई में मानसून आया और उसके बाद लगातार जो बारिश का दौर चला है उसने सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं, और यही वजह है कि जो एवरेज बारिश होनी चाहिए था उससे भी ज्यादा इस बार बारिश हुई है। और अब देखिए, जब सितंबर का महीना है, बारिश को यही कह सकते हैं कि कहीं राहत की बारिश और कहीं आफत की बारिश, कहीं लोगों को राहत मिले तो कहीं लोग मुसीबत में फंसे हुए। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।